दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कि बजट में वाले दिन क्या रह सकता है मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो एक्चुअल तो ऐसा है कि उस दिन पैसा जाता है, तो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, पर आप लोगों के मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अभी ऐसा है 1 फरवरी को, तो इससे पहले आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखने से पहले आप लोगों को जरूर फायदा होगा बजट वाले दिन, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर जो लाइक नहीं करेगा उसको फायदा नहीं होने वाला, पहले बता देता हूँ बताने से पहले। चलो कोई नहीं, ये भी हमारा चैनल हमारा परिवार है। तो सबसे पहले अनुरोध मेरा ये है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक तो आप लोग डिस्क्लेमर को पढ़ें, पढ़ना अनिवार्य है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यूट्यूब के। दूसरा मेरा ये है कि कोई भी आदमी ये ज्योतिष व्यू के ऊपर जो भी पैसा लगा रहा है या प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कर रहा है, वो मेरा उसमें कोई क्रेडिट नहीं है, ना मेरा हाथ है। ये केवल ज्योतिष व्यू है जो आपको एक आगे का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होता है, कोई बजट में सोचा बहुत बड़ा मैं ये बेनिफिट ले लूंगा, तो मैं कुछ एक रास्ता बता रहा हूँ, ये आप ऑब्जर्व करना। ऐसा होता है बढ़िया है, और नहीं होता कोई बात नहीं। देखो 1 फरवरी को 2 मंदी 2 तेजी के योग बन रहे हैं, है ना। अच्छा दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और योग बन रहा है जो मार्केट में कहीं ना कहीं मंदी दिखा रहा है। इसके एडिशनल भी एक योग है जो मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, बिल्कुल सिंपल भाषा में, आपका मार्केट जहां भी खुला है, हो सकता है गैप डाउन खुले, 9:45 तक मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ही रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। नंबर एक पॉइंट हो गया, मार्केट यहां रहना चाहिए नीचे। अब आपने ये ऑब्जर्व कर लिया, जिसको जो करना था वो करते रहो। इसके बाद फिर आप ऑब्जर्व करना है 12:30 बजे तक, जब ये पीरियड खत्म हो जाए 10-15 मिनट में अप जा सकता है यहां से मार्केट, फिर आपको ऑब्जर्व करना है 12:30 तक। यहां पे भी मार्केट क्या रहना चाहिए, डाउन। अब आगे क्या करना है, यहां से लेके और 1:30 बजे तक नो ट्रेड, 13:30 PM तक नो ट्रेड। मेरी बात समझ गए, यहां तक कोई ट्रेड नहीं। अब 1:30 बजे से फिर आपको ऑब्जर्व करना है आगे, जिधर मार्केट चलता है उसके साथ हो जाओ, कहीं ना कहीं 1:30 बजे के बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन पकड़ लेता है। वो मैं नहीं बोल रहा कि वो तेजी की तरफ है या मंदी की तरफ है, पर यहां पे आप लोगों को अगर इस बीच में 12:30 से और 1.5 मतलब 1 घंटा नो ट्रेड, अगर इसके बीच में कोई ज्यादा उत्सुक है वो आप लोग ट्रेड करो, वो आपकी जिम्मेदारी है। मतलब ज्योतिष व्यू मेरा ये है। ठीक है, इसके बाद आपको जिधर भी मार्केट जाता है आप काम कर लो, आपको एक डायरेक्शन दे देगा 1:30 बजे मार्केट कि अब मैं क्या करने वाला हूं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मेरा टाइम है, अगर ये सही होता आपको दिखता है तो पहले ये ऑब्जर्व करो टाइम 1/2 घंटा, फिर ये करो ऑब्जर्व, ठीक, उसके बाद फिर अपना काम कर लो। लेकिन जो ज्योतिष व्यू आ रहा है इसमें कि मार्केट दोनों साइड रहेगा, ये तो सभी बोलेंगे कि बजट वाले दिन दोनों साइड रहता है, ये कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरी तरफ से मार्केट में दबाव ज्यादा होना चाहिए, उतना उछाल नहीं। अगर आपको इंतजार करना है तो यहां से फिर करना 1:30 बजे से, जो भी करना है। ठीक, अभी नेक्स्ट इस वीक में इवेंट क्या आने वाला है ग्रहों का, कि बुध हमारा बकरी चल रहा है 20 फरवरी तक, है ना। अभी ये 3 फरवरी से अस्त होगा, तो बकरी अवस्था में जब बुध अस्त होता है तो तेजी करता है। कहां तेजी करता है, खासकर बैंक निफ्टी की तरफ।
तो वो तो मैं आप लोगों को डेली वीडियो डालता रहूंगा और उसमें मैं ये बताता भी रहूंगा कि आप लोगों को करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। लेकिन ये बजट वाले दिन मार्केट दिखाता कुछ है, करता कुछ है, तो सबसे अच्छी बात है कि नो ट्रेड, उस दिन ट्रेड नहीं की जाए। अच्छा, इसके बाद भी फिर भी किसी को लगता है कि मेरे को ट्रेड करनी है, तो 4000 रुपये की ट्रेड कर लो उस दिन, 4 नहीं तो 5 कर लो। मैं बताता हूं करना क्या है। जो भी वीकली ऑप्शन में निफ्टी जहां भी चल रहा हो, मान लो उसका ऑप्शन कोई भी हो, वो 100 रुपये का हो कॉल साइड, और 100 रुपये का हो पी साइड, दोनों खरीद लो 5 रुपये में एक एक लॉट, क्योंकि आप लोगों को चैन नहीं पड़ेगा, चुपचाप बैठे रहो, इतना खरीद के मोबाइल बंद करके चले जाओ, मैं देखता हूं कि इसमें ताकत है। देखो इसमें होने वाला क्या होता है कि मान लो मार्केट एक साइड गया, किसी भी साइड चला गया, ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, मार्केट किसी साइड चला गया 600-700 पॉइंट, तो जो ये वाला है ये 2.5 गुना होगा, ये होगा 250 रुपये का और ये हो जाएगा 30 रुपये का, तो यहां तो गए आपके 70 रुपये और यहां आए 150 रुपये, तो आपको एक पे 70 × 25 2500 रुपये कम जाएंगे बस। ऐसे करके कोई बैठ गया तो फायदा दिखाई देता है, तुम इधर भी खरीद, इधर भी भाग, इधर भी भाग, इधर भी कर, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। और ये मैं कहता नहीं कि कोई करना है या नहीं करना है, किसको करना है अपना पूछो, जिसको जो अच्छा लगता है अपने एडवाइजर से पूछो, खुद रेस्पॉन्सिबल है। ये चैनल किसी का कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, हर चैनल यही बोलता है, मैं भी यही बोल रहा हूँ, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, जो भी ट्रेड करना है अपने से। तो मैंने आप लोगों को ये टाइमिंग बता दिया यहाँ से कि आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से कर लो कि भाई ये देख लो पहले, चाहे मार्केट गैप अप खुल जाए, चाहे खुल जाए गैप डाउन, मार्केट यहां तक तो ऊपर जा नहीं रहा, फिर यहां पे आप लोग आगे ऑब्जर्व कर लो इस टाइम को कि मेरे विचार से डाउन जाना चाहिए, जा रहा है तो डाउन में हो जाओ, नहीं जा रहा तो कॉल खरीदो। इसके बाद में फिर 1:30 बजे तक मैंने बोला नो ट्रेड, ट्रेड नहीं करना, यहां मार्केट अपने आप बताएगा, कोई ज्योतिष की भी जरूरत नहीं क्या करना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।